अगले दिन सुबह सारे दोस्त मिलके बाहर जाने के लिए तैयार थे, तभी समीर की माँ ने उन सब की तरफ देख के पूछा, आज कहाँ जा रहे हो तुम सब बेटा? तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और बोले, आज हम सब पास के बाजार में जा रहे हैं और शाम तक आ जाएंगे। फिर समीर ने अपनी माँ को गले लगा कर कहा, माँ आप टेंशन ना लीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। ये बोलने के बाद सब वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही सबने एक गहरी सांस ली। समीर ने सबको देख के बोला, यार हम ठीक तो कर रहे हैं ना? इस पे शिवाय ने कहा, हाँ भाई देख, वो आवाज जो कल हमने सुनी उसका तो पता लगाना ही है यार, और ये भी तो देखना है वहाँ सच में कोई है भी या कोई ऐसे ही अफवाह फैलाई हुई है अपना काम निकालने के लिए। सबने फिर समीर को कहा, हाँ समीर अब चल, ज्यादा ना सोच। इसके बाद सब वहाँ से उस महल की तरफ चल दिए। जब वहाँ जाके उन्होंने महल को बाहर से देखा तो सब देखते रह गए। रिया ने बोला, यार ये तो सच में बहुत बड़ा है, ये जब बना होगा तब ये और सुंदर लगता होगा। ये सुन के सावी ने भी हाँ बोला, क्योंकि उस महल का आगे का गेट मोहन और उसके दोस्तों ने खोल दिया था तो उन्हें वो गेट खोलना नहीं पड़ा और वो सारे अंदर की ओर चल दिए। जब शिवाय और उसके दोस्तों ने उस महल के गेट के अंदर अभी कदम ही रखा था कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया, मानो जैसे सबको उड़ा के ले जाएगा। तभी शिवाय ने जैसे ही अपना हाथ से उस गेट को पकड़ा तो सब ऐसे शांत हो गया मानो कुछ हुआ ही नहीं था। सारे दोस्तों ने कहा, यार ये क्या था? तभी शिवाय के कानों में एक आवाज आई जिसे सुन के उसको समझ नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई। उस फुसफुसाती हुए आवाज ने कहा, तुम आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितनी सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है और आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। शिवाय ये सुन के हैरान था, उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? सबने अपना सर हिलाकर मना कर दिया। शिवाय ने बोला, ठीक है। जब सब अंदर गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, दाई और कुछ हवेलियां सामने जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई दो मंजिली इमारतें हैं, जो अब खंडर बन चुकी है। तभी सावी की नजर इसकी बाई ओर पे शिव जी के विशालकाय मंदिर पर पड़ी, जिसे देखने के लिए वो मंदिर की ओर चली गई। उस मंदिर को देखकर सावी ने प्रणाम किया और फिर उस जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी वहाँ शिवाय भी पहुँच गया और उस मंदिर को देख के प्रणाम करने के बाद बोला, तुम ऐसे कैसे बिना बोले यहाँ आ गई? ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी समीर की चीख उन्हें सुनाई दी, जिसे सुन के सावी और शिवाय उनकी तरफ भागे। वहां जाके उन्होंने देखा तो समीर जमीन पर पड़ा हुआ था और करण को घूरते हुए देख रहा था। वही रिया जोर जोर से हंस रही थी। ये देख के शिवाय और सावी ने एक साथ पूछा, क्या बात है? इस पे समीर उठते हुए बोला, यार शिवाय मैंने इस गेट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे एक तेज झटका लगा जिससे मैं नीचे गिर गया और ये दोनों बेशर्म मुझ पे हंस रहे। तभी शिवाय ने अपना हाथ उस गेट पे रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। ये देख के करण बोला, देखा इस गेट में ऐसा कुछ नहीं था, शिवाय को देख कुछ नहीं हुआ। तब समीर ने शिवाय की तरफ देख के कहा, यार हम आए तो बाहर का गेट तो खुला था लेकिन इस महल के अंदर जाने का गेट अभी भी बंद है, इसे कैसे खोले? देख इस पे तो बाहर से भी ज्यादा बड़ा ताला लगा है, ऊपर से पूरे गेट पर मंत्र लिखे हुए हैं और ये सब संस्कृत में है। अब हम इस गेट को कैसे खोले और कैसे पता लगाए इस पे क्या लिखा है? हम में से तो संस्कृत किसी को नहीं आती। तभी करण ने कहा, मुझे आती है संस्कृत। ये सुन के सब हैरानी से करण को देखने लगे। तभी करण ने कहा, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो?
जैसे तुम जानते नहीं, तुम सब शायद भूल गए, मैं एक मैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने हर तरह की किताब पढ़ी है। करण ने समीर की तरफ देख के कहा, साइड हो, मुझे देखने दे, इस पे क्या लिखा है। करण ने उसे पढ़ते हुए कहा, कर्चरण कृतं वा काइजं कर्मजं वा श्रवण्यञ्च वा मानसं वाऽपराधम्। यह निर्धारित है या नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। जय विजय, हे दया के सागर, हे भगवान श्री महादेव, भगवान शंभो। ये सुनके समीर ने अपना सर खुजलाते हुए करण की तरफ देख के बोला, यार करण, इसका क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इस पे रिया ने बोला, ओ समीर, तुझे क्या हम में से किसी को कुछ नहीं समझ आया। इस पे करण ने अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए बोला, मुझे छोड़ के। इस पे शिवाय बोला, अच्छा करण, बताना इसका क्या मतलब है। इस पे करण उन्हें समझाते हुए बोला, यह मंत्र मूल रूप से भगवान शिव से क्षमा मांगता है और यह आत्मा की शुद्धि करता है। अगर किसी व्यक्ति पर भूत सवार है तो यह मंत्र उससे रक्षा करता है। ये मंत्र भूतों को उनके दुखी जीवन से स्थायी रूप से मुक्त करने और भूतों की मुक्ति के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब, इस मंत्र से अंदर किसी की आत्मा को यहाँ से मुक्ति की कोशिश की गई होगी, लेकिन जब वो आत्मा मुक्त नहीं हुई होगी तो उस आत्मा को अंदर बंद करने के लिए इस पे मंत्रों से इसे बंद किया गया होगा। इस पे सब हंसते हुए बोले, करण ये क्या बोल रहा है, भूत आत्मा तेरा दिमाग ठीक तो है ना। इस पे करण गुस्सा होते हुए बोला, मत मानो, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इस पे लिखा है, मैंने ये सब किताबों में पढ़ा है और पुरानी चीजों पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, समझे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि उन सबको उनके पीछे कुछ महसूस हुआ और एक परछाई जो उस गेट पे दिख रही थी, जिसे देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसकी थी वो परछाई? क्या शिवाय और उसके दोस्त उस गेट को खोल देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।